हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। इस वीडियो में गूगल शीट्स में पाई चार्ट के बारे में देखते हैं। लेट्स मूव टू गूगल शीट्स। कोई भी चार्ट इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले उसके लिए डेटा होना चाहिए, और पाई चार्ट के लिए डेटा में लेवल होना चाहिए एंड वैल्यू होना चाहिए। लेवल्स हैं ये वैल्यूज। पाई चार्ट हमेशा सिंगल डायमेंशन के लिए यूज होता है। सिंगल डायमेंशन मीन्स जो ये वैल्यूज है ये सिंगल कॉलम में होना चाहिए। मल्टीपल कॉलम्स के लिए या मल्टीपल डायमेंशन के लिए अदर चार्ट्स का यूज करेंगे। पाई चार्ट से डेटा का एक जनरल आइडिया मिल जाता है, और पाई चार्ट के लिए डेटा में सेलेक्ट करेंगे और ये नीचे कॉर्नर में एक्सप्लोर, इसका शॉर्टकट है Alt Shift X, इसमें क्लिक करेंगे और इसको नीचे करेंगे, ये पाई चार्ट बन के आ गया। इसको ड्रैग कर देंगे, इसको क्लोज कर देते हैं, ये पाई चार्ट बन के आ गया। इसको डिलीट करते हैं, फिर से डेटा को सेलेक्ट करेंगे। एक ऑप्शन एक्सप्लोर से भी कर सकते थे। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट मेनू चार्ट, ये देखिए गूगल शीट काफी स्मार्ट है, डेटा के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली पाई चार्ट बन के आ गया। इसको भी डिलीट करते हैं, इतना सेलेक्ट करेंगे जितना पहले सेलेक्ट किया था। इंसर्ट चार्ट, ये देखिए ये अब ऑटोमेटिकली पाई चार्ट बन के नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे टू डायमेंशनल है, यहाँ पे वैल्यूज के दो कॉलम्स है, कॉलम चार्ट बन के आ गया। और इसको पाई चार्ट में लाने के लिए ये सेटअप चार्ट टाइप स्क्रॉल करेंगे, ये पाई चार्ट, इसमें क्लिक, इस वैल्यूज को हटा देते हैं। इस पाई चार्ट का रेंज है A3 से लेके B7, A3 से लेके B7। ये गूगल शीट काफी स्मार्ट है, अगर यहाँ पे कुछ भी ऐड करेंगे ये भी फ्रूट्स भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसका रेंज अपने आप बढ़ जाएगा। अभी तक चार स्लाइस है इसमें, अब पांच हो जाएंगे। ये देखिए फ्रूट्स भी आ गया, और इन वैल्यूज को यहाँ पे फॉर्मेटिंग, जो भी फॉर्मेटिंग करेंगे चार्ट में भी वैसे ही फॉर्मेटिंग हो जाएगा। एडिट, अभी वैल्यूज लेके आते हैं, इसमें ये वैल्यूज आ गए। इन वैल्यूज में कुछ भी चेंज करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये देखिए, और इनका फॉर्मेटिंग के लिए फॉर्मेटिंग चेंज करेंगे, डेसिमल प्लेस दे देते हैं, यहाँ पे भी डेसिमल प्लेस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। करेंसी में देना हो, करेंसी बाय डिफॉल्ट डॉलर आ रहा है। फॉर्मेट, मोर फॉर्मेट्स, मोर करेंसी, यहाँ पे किसी भी कंट्री का करेंसी के लिए ऑप्शन है। अभी इंडियन करेंसी डाल देते हैं, अप्लाई, अब इंडियन करेंसी आ गया, यहाँ पे भी रुपीस का साइन आ गया। पाई चार्ट या किसी भी चार्ट को रिसाइज करने के लिए ये कॉर्नर में क्लिक करेंगे, दोनों साइड से रिसाइज होगा, ये कम ज्यादा कर सकते हैं, दो साइड से रिसाइज हो रहा है। किसी भी कॉर्नर से करेंगे दो साइड से होगा, और ये मिडिल पॉइंट से करेंगे वन साइड से कम ज्यादा होगा, जैसे ये लेफ्ट से हो रहा है और ये राइट। और चार्ट में क्लिक करेंगे तो ये थ्री डॉट बटन ऑप्शन शो हो जाएगा, इसमें क्लिक करेंगे ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, एडिट चार्ट, डिलीट चार्ट, डाउनलोड, पीएनजी इमेज में, पीडीएफ में, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, PNG में डाउनलोड कर लेते हैं।
इसको ओपन, ये पीएनजी फॉर्मेट में डाउनलोड हो गया इमेज में, इसको क्लोज, अगेन क्लिक, थ्री डॉट में क्लिक, मूव टू वन सीट करेंगे, पूरे चार्ट के लिए अलग से सीट बन जाएगा। ये देखिए ये पूरे एक नई सीट बन गया। कंट्रोल जेड, थ्री डॉट में क्लिक, और ये पब्लिश चार्ट है, इसमें क्लिक करेंगे, ये वेब में पब्लिश हो जाएगा। ये पब्लिश करके लिंक शेयर करने के लिए ये लिंक ऑप्शन है, देन एम्बेड, एम्बेड में, और ये इमेज के रूप में एम्बेड हो जाएगा। ये इंटरैक्टिव पब्लिश, ओके। ये एचटीएमएल का आई फ्रेम बन के आ जाएगा, और इसको कॉपी करके किसी भी वेबसाइट में एम्बेड कर सकते हैं। अभी क्लोज करते हैं, यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं चार्ट को, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे चार्ट सिलेक्ट हो जाएगा, देन डिलीट का बटन भी प्रेस कर सकते हैं, डिलीट हो जाएगा। फिर इसको कॉपी कर सकते हैं, या तो यहाँ से कॉपी चार्ट कर सकते हैं सेलेक्ट करके, कंट्रोल सी भी कर सकते हैं, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। इसको कंट्रोल जेड, अदर शीट में भी पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल जेड, चार्ट में क्लिक करेंगे, थ्री डॉट में क्लिक करेंगे, एडिट चार्ट, एडिट चार्ट में क्लिक करेंगे, और इसमें मेन दो ऑप्शन है, सेटअप एंड कस्टमाइज, और सेटअप रेंज कम ज्यादा कर सकते हैं, लेवल, अभी सिंगल लेवल है, यहाँ पे कर लेते हैं, एडिट चार्ट, अब यहाँ पे रेंज चेंज कर देते हैं, C8 कर देते हैं, अब ये ऑप्शन लेवल के लिए ये भी ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए स्टूडेंट्स आ गए, स्टूडेंट्स करेंगे, ये ABCD, ये स्टूडेंट्स के नेम आ गए, और ये इसके भी थ्री डॉट में क्लिक करेंगे, रिमूव हो जाएगा, रिमूव हो गया, देन ऐड लेवल, लेवल को ऐड कर सकते हैं, और ये स्विच रो कॉलम, कॉलम को रो में स्विच हो जाएगा, रो को कॉलम्स में, यूज रो 3 एज हेडर्स, ये ऑलरेडी कर रखा हमने, अगर इसको अनचेक कर देंगे, जो ये प्रोडक्ट नेम ये सेल्स आ रहा है, इसकी जगह यहाँ पे रेंज शो होगा, ये देखिए A3 से A8, अगर इसको टिक कर देंगे तो ये हेडर के नेम आ जाएंगे। यूज कॉलम A एज लेबल्स, इस कॉलम को डिलीट कर देते हैं, फिर से चार्ट को सेलेक्ट, थ्री डॉट में क्लिक, एडिट चार्ट, कस्टमाइज में चार्ट का ये स्टाइल वगैरह, फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज करने के लिए ऑप्शन होते हैं, चार्ट स्टाइल, चार्ट का बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए, और चार्ट का फॉन्ट चेंज करने के लिए कोई भी फॉन्ट रख सकते हैं, और ये बॉर्डर, चार्ट का बॉर्डर कलर, और मैक्सिमाइज, ये पाई को मैक्सिमाइज कर देगा, और 3D में क्लिक करेंगे तो 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। और पाई चार्ट में ये डोनट होल अभी 0% है, इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पे होल बन जाएगा, 25%, 50%, यहाँ पे 50% हो गया, 75, अभी 0 रहने देते हैं, और ये बॉर्डर कलर, ये चार्ट का जो बॉर्डर कलर है वो चेंज हो जाएगा, ये देखिए रेड कलर हो गया, और स्लाइस लेवल,
अभी फ्रूट्स को हटा देते हैं। 1 2 3 4 फोर स्लाइस है, टोटल 4 स्लाइस है। कस्टमाइज पाई चार्ट स्लाइस लेवल, लेवल आ जाएंगे, लेवल में करेंगे। वैल्यू चाहिए तो वैल्यू, परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज, वैल्यू एंड परसेंटेज। फिर से हटाने के लिए नन करेंगे, अगर वैल्यू करेंगे वैल्यू, देन उनके फॉर्मेटिंग के लिए ऑप्शन है बोल्ड इटैलिक फॉन्ट लेवल साइज टेक्स्ट कलर पाई स्लाइस, और यहाँ पे किस स्लाइस को अप्लाई करना है, यहाँ पे सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जैकेट को करना हो तो जैकेट को करेंगे, कलर चेंज कर सकते हैं, जैकेट को कर देते हैं ये कलर, ये कलर चेंज हो जाएगा। किसी भी स्लाइस को अलग करना हो, जैसे अभी मोबाइल को करते हैं, क्लिक 25% ये अलग हो गया, 50% ये अपने हिसाब से कर सकते हैं, अभी जीरो रहने देते हैं। और ये चार्ट एंड एक्सिस टाइटल्स, ये भी टाइटल चेंज करने के लिए यहाँ पे सेल्स रहने देते हैं। सेल्स टाइटल का फॉर्मेटिंग के लिए बोल्ड अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट कलर फॉन्ट साइज और कौन सा फॉन्ट लेना है, और चार्ट टाइटल के लिए हो गया। चार्ट का सब टाइटल भी ऐड कर सकते हैं, और लीजेंड, और लीजेंड ये जो लीजेंड है कौन से पोजीशन में रखना है, टॉप में रखना हो ये टॉप में आ जाएंगे, बॉटम में रखना हो बॉटम में, लेफ्ट राइट लेवल्ड ऑटो। और इनके फॉर्मेटिंग के लिए ये सारे ऑप्शन हो गए यहाँ पे सेटअप करने के लिए। और पाई के ये जनरल पाई चार्ट है, देन ये डोनट पाई चार्ट है, डोनट चार्ट, और ये 3D पाई चार्ट। अभी ये नॉर्मल रहने देते हैं। ऐसे चार्ट के ऊपर कहीं भी डबल क्लिक करेंगे, जैसे ये टाइटल में डबल क्लिक करेंगे इसका ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और यहीं पे भी टाइटल को चेंज कर सकते हैं, और डिलीट करना हो डिलीट कर सकते हैं, चेंज करना हो चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही ये पाई स्लाइस में डबल क्लिक करेंगे, इसके लिए ऑप्शन आ जाएंगे। लीजेंड में डबल क्लिक करेंगे, इसका फॉर्मेटिंग के लिए आ जाएगा। अभी तक हमने समरी डेटा से पाई चार्ट लगाना देखा, एक साइड में प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के नेम है, देन जितना सेल हुआ है, ये एक समरी डेटा है। बट गूगल शीट में ऑप्शन है बल्क डेटा से, ऑन समराइज डेटा से। जैसे बेंगलोर है, बेंगलोर काफी बार रिपीट है, और अलग अलग अमाउंट हो सकता है, अलग अलग सेल्स अमाउंट हो सकता है, और ये 18,440 यहाँ तक रिकॉर्ड है। इस डेटा से भी पाई चार्ट लगाना देखते हैं। और ये डेटा एक बल्क डेटा है और ऑन समराइज डेटा है, रॉ डेटा है। इस डेटा से भी हम चार्ट बना सकते हैं। सबसे पहले कहीं भी डेटा में सेलेक्ट करेंगे, देन इंसर्ट चार्ट, अभी ब्लैंक आ रहा है क्योंकि हमने डेटा को सेलेक्ट नहीं किया, A1 में क्लिक कर रखा है। और अगर ये चीज यहाँ पे होता, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट भी नहीं करेंगे, इंसर्ट चार्ट, ये कोई भी चार्ट एक बन के आ जाएगा जो भी उसको लगता है, क्योंकि यहाँ पे डेटा समरी में है और यहाँ पे डेटा ऑन समराइज होने की वजह से ये गूगल शीट समझ नहीं पा रहा कि इसमें कौन सा चार्ट लगा सकता, तो इसको सजेशन नहीं मिला, तो ब्लैंक आ गया।
देन हम एडिट करके एक्स एक्सिस में जो लेवल है, लेवल का रेंज चेंज कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे क्लिक करके इसका ए, अगर सिटी से लेना हो सिटी से, प्रोडक्ट का लेना हो प्रोडक्ट से, उसका रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही सीरीज का भी जो वैल्यू के लिए यूज करना है, सेल्स अमाउंट क्वांटिटी, उनका रेंज ले सकते हैं। डिलीट करते हैं और डेटा को सेलेक्ट करके भी इंसर्ट कर सकते हैं चार्ट। इंसर्ट चार्ट, इस डेटा के अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली कॉलम चार्ट बन के आ गया। अब यहाँ पे क्लिक करके पाई चार्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये ऐसा बन के आ रहा है। अभी सारा डेटा सिलेक्टेड है, लेबल में सिटी को दे दिया, देन वैल्यू में बिल डेट की जगह चेंज कर देंगे, सेल्स अमाउंट कर लेते हैं। अभी किसी को भी कर सकते हैं, क्वांटिटी या और भी हो सकते हैं आपके डेटा में। अब सिटी के अकॉर्डिंग सिटी, लेबल में सिटी लिया हमने, ये जो सिटी है, वैल्यू के लिए सेल्स अमाउंट, देन ये अजीब सा पाई चार्ट बन के आया, क्योंकि ये सारे डेटा में जितनी बार रिपीट है उतनी बार काउंट हो रहा है। हमें चाहिए सिटी के अकॉर्डिंग सेल्स अमाउंट, हर सिटी के सेल्स अमाउंट चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे एग्रीगेट में, तो ऑटोमेटिकली सेल्स अमाउंट सम होके आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सम आ गया। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन मिलेंगे, सम, मिनिमम, मीडियन, मैक्स, काउंट, एवरेज, आपको जो भी एग्रीगेट करना है वो चेंज कर सकते हैं। ये कस्टमाइज सेम चीज रहेगा, बाकी सारा सेम रहेगा। इसका टाइटल चेंज कर देते हैं, बोल्ड और सेंटर में कर लेते हैं। ओके गाइज, इस वीडियो में गूगल शीट्स में पाई चार्ट के बारे में देखा, समरी डेटा से पाई चार्ट एंड अनसमराइज डेटा से, बल्क डेटा से यानी कि रॉ डेटा से भी पाई चार्ट लगाना देखा। आई होप ये वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी विजुअलाइजिंग।